आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी सोयाबीन्स का कोफ्ता बनाना बताऊंगी। आप देख सकते हैं ये हमारा कितना परफेक्ट और यम्मी बना है। देखिए मैं आपको कट कर कर भी दिखाती हूँ। हमेशा हम लोग सोयाबीन की सब्जी बनाते हैं, इसलिए मैंने कुछ अलग ट्राई किया और मैंने इसका कोफ्ता बनाया। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोयाबीन का आज हम लोग सोया चॉप बनाएंगे, इसके लिए मैं सोयाबीन को अच्छे से मिक्सी के जार में डालकर इसका पेस्ट तैयार करूँगी। इसमें मैं लहसुन की 5 कलियाँ और एक मिर्चा भी डालूँगी। ये देखिए मेरा कोफ्ता पिस चुका है। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि जब भी सोयाबीन आप मिक्सी में ग्राइंड करोगे उसका पानी अच्छा से निचोड़ लीजिएगा। हम लोग इसमें 2 चम्मच की करी बेसन डालेंगे, 1 बारीक कटी हुई प्याज, 1 चम्मच बुलकी जीरा का पाउडर स्वाद के अनुसार, हल्दी और नमक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसमें हम लोग 2 बॉयल आलू को कद्दूकस करके या मस के डालेंगे। मेरे पास आलू फ्रिज में रखा हुआ था, बॉयल आलू, मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ। सभी को डाल के हम लोग आपस में अच्छे से मिला लेंगे। सोयाबीन कोफ्ता बनाने के लिए हमारा ये पेस्ट तैयार हो गया। अब हम लोग छोटे छोटे बॉल्स तैयार करेंगे। इस प्रकार से आप अपने अकॉर्डिंग इसका शेप दे सकते हैं। अगर मैं इसे सारे पेस्ट का बॉल तैयार कर लेती हूँ। प्रकार बॉल भी बना सकते हैं, पर मैं चपटा बनाती हूँ और मैं आप लोगों को भी चपटा बनाने की सलाह दूँगी, इससे हमारे पकता अच्छी तरह से। अब हम लोग ये कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे और गर्म तेल में ये मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हम लोग एक चीज़ के कोफ्ता को पलट लेंगे और इसे दोनों तरफ से पकने देंगे। जब इस तरह का और बेसन निकाल लें और अगर आपके कोफ्ते टूट गए तो बेसन छोड़ कर बेसन मिलाकर इसे मिक्स करके फिर से गोल्डन बनाकर फ्राई करें। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे टॉपिक के वीडियो बनाई हूँ। आप किसी भी टॉपिक से वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। गाइस मेरी 1 ईयर की बेबी भी है। अगर आप बेबी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी, बेबी के डाइट केयर होम रेमेडी। अब इस कढ़ाई में हम लोग फ्राई किए थे उसमें हम लोग 5 फोरन डालेंगे। उस कढ़ाई में कटी हुई 2 बड़ी प्याज, हमारा प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हम लहसुन को हल्का पकने से पकाएंगे। अब प्याज का कलर मीडियम ही रखें। इसमें हम 2 हरी मिर्च डालेंगे। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कोई भी कमी लगती है मेरे वीडियो में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं अपना यूट्यूब चैनल 1 ईयर से बनाई हूँ और मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। प्लीज़ आप लोग मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज करिए और मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं आप लोग के लिए इसी प्रकार से हर तरह की वीडियो लाती रहें। मैंने अपने चैनल पर वीडियो से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, कुकिंग, ट्रैवलिंग, ब्यूटी बहुत सारे वीडियो डाले हैं। आप लोग विजिट करें और देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। मेरा प्याज का कलर चेंज हुआ तो और लहसुन डालने हल्दी और लाल मिर्च डालें, इसे डाल के मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। उसका पाउडर डालूँगी, बेसन करी और पानी में डाल कर भी डाल सकते हैं। मसाला को हम लोग पकने देंगे। मसाला को अच्छे से फ्राई करें। किसी भी खाने में मसाला को प्रॉपर तरीके से पकना बहुत ज़रूरी होता है। मसाला में पानी डालकर झट झट कर पकाएं। आप देख सकते हैं मसाला से तेल छोड़ चुका है, मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज कटी हुई, सॉरी टमाटर, इसमें 2 बारीक पीस ली। आप इसे कट करके भी डाल सकते हैं। अब इसे डाल कर देंगे हल्का सा पकने देंगे। मैं टमाटर डालने के बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाली हूँ
आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। और ये मेरा और टेस्टी लगे इसलिए मैं इसमें चिकन मसाला डालूँ। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो, बट मैं इसका टेस्ट को इनक्रीज करने के लिए इसमें ये ऐड की हूँ, ताकि ये हमारा सोयाबीन का जो कोफ्ता का सब्जी है ना, एकदम हमारा चिकन जैसे टेस्ट का लगे। तो मैं इसे ढक कर पकाऊँगी। आप देख सकते हैं मसाला का कलर हमारा कितना सुंदर आया है। हमारा मसाला पूरी तरह से पककर तैयार है। अब इसमें हम लोग अपने अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। आप जितना ग्रेवी चाहते हो उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी डालें। मैं ये लगभग 5 से 6 बजे तक बना रही हूँ और इसमें मैं 1.5 गिलास के करीब पानी डाली हूँ। गाइस मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर को भी शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने बोलें। और प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर को इंक्रीज करें, मेरे सब्सक्राइबर अभी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। ये देखिए हमारा इसमें बॉयल आ चुका है। इसमें हम लोग छोटा सा गरम मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो जो हम लोग तैयार किए हैं सोयाबीन का बॉल्स उसे इसमें ऐड कर देंगे और हमारा ये सोयाबीन कोफ्ता बनकर तैयार है। आप इसे सब्जी को चावल, रोटी, पूरी, पुलाव किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सब्जी बनकर तैयार है। हमारा ग्रेवी भी ये गाढ़ा हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हमें गैस का बिल पे कर दीजिए।